पीएम नरेंद्र मोदी की जिंदगी पर बनने जा रही फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी का ट्रेलर होली के मौके पर दर्शकों के सामने पेश किया गया है, जिसे दर्शकों ने काफी एंजॉय किया। ट्रेलर को जिस तरह का रिस्पांस मिला है, उससे माना जा रहा है कि ये फिल्म सिनेमाघरों में धमाल मचा देगी। हालांकि रिलीज से पहले ही ये बायोपिक फिल्म एक विवाद में फंस गई है। असल में निर्माताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी बायोपिक का एक पोस्टर रिलीज किया है, जिसमें जाने माने लेखक जावेद अख्तर का नाम सॉन्ग राइटर के तौर पर लिखा गया है। इससे हर किसी को लग रहा है कि जावेद अख्तर ने इस फिल्म के लिए गाने लिखे हैं, लेकिन ये सच नहीं है। जावेद अख्तर ने खुद इस बात की सफाई दी है। जावेद अख्तर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पीएम नरेंद्र मोदी बायोपिक का पोस्टर ट्वीट करते हुए लिखा है कि मुझे फिल्म का पोस्टर देखकर शॉक लगा है, मैंने इसका एक भी गाना नहीं लिखा। अब जावेद अख्तर का नाम पोस्टर पर कैसे आया ये तो पता नहीं चल पाया, क्योंकि निर्माताओं ने लेखक के ट्वीट का जवाब भी नहीं दिया है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि निर्माता इस विवाद पर कब तक जुबान खोलते हैं। अगर फिल्म की कहानी की बात की जाए तो इसमें विवेक ओबेरॉय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किरदार निभाते नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन ओमांग कुमार ने किया है, जो मैरी कॉम जैसी फिल्म बना चुके हैं। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।